स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन और इसका हम करेंगे 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें फाइंड करनी है n की वैल्यू और a की वैल्यू और हमें ये कुछ टर्म्स दी गई हैं। हमें an की वैल्यू दी गई है 4, an होगा हमारा लास्ट टर्म और d की वैल्यू दी गई है हमें 2, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस और sn सम ऑफ n टर्म्स और इसकी वैल्यू हमें दी गई है -14। सो हमारे पास ए की सीरीज में n टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d और ये फॉर्मूला होता है n टर्म फाइंड करने के लिए। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमारे पास है उनको हम पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम a ही राइट करेंगे, n की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास सो हम n ही राइट करेंगे और d की वैल्यू हमें दी गई है 2 सो हम d के प्लेस पे राइट कर देंगे 2। an की वैल्यू हमें दी गई है 4। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 और इक्वल में हमारे पास है 4। a को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी टर्म्स हम राइट साइड में ले जाएंगे तो राइट साइड में 4 तो हमारे पास पहले से है और जो बाकी दो टर्म्स हमें राइट साइड में लेके जानी है उनके हम साइन चेंज कर देंगे सो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी तो ये हो गई है 6 माइनस 2n। इस वैल्यू को हम a के प्लेस पे पुट करेंगे सम ऑफ n टर्म्स वाले फॉर्मूले में। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास हैं तो sn की वैल्यू हमारे पास है -14। sn के प्लेस पे हम -14 राइट करेंगे, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सो n ही राइट करेंगे बाय में 2 और ब्रैकेट के अंदर है 2 इंटू ए, ए की वैल्यू हमारे पास अब ये बनी है तो इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर राइट करेंगे 6 माइनस 2n। आगे हमारे पास है प्लस n माइनस 1 इंटू डी और d की वैल्यू हमारे पास है 2 तो यहाँ पे हम 2 राइट करते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -14 और ये 2 इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इक्वल में हमारे पास बचा है n और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 4n प्लस अब इस d की वैल्यू की मल्टीप्लाई भी हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे आ जाएगा 2n माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। माइनस 14 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -28 इक्वल टू n और ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज है इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 12 पॉजिटिव है और ये 2 नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आ जाएगा 10 माइनस 4n नेगेटिव है और 2n पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये आ जाएगा -2n, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। -28 इक्वल टू इस n की मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगा 10n -2n स्क्वायर। अब राइट साइड में हमारे पास ये दो टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे ये आ जाएगा 2n स्क्वायर -10n -28 पहले से ही लेफ्ट साइड में है और इक्वल में हमारे पास रह जाएगा अब 0। अब इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर ये 2 इधर राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा और 0 के डिवाइड में अगर हम 2 करते हैं तो ये आ जाएगा 0। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास अब वैल्यू रह गई है n स्क्वायर -5n -14 और राइट साइड में ये डिवाइड करने के बाद आ गया है 0। अब हम इस इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे और 14 के हमें अब फैक्टर बनाने हैं। सो 14 के फैक्टर होते हैं 14 मल्टीप्लाई 1, 7 मल्टीप्लाई 2। अब इन दोनों फैक्टर्स में से देखो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -5। अब 14 में से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास 13 आएगा और 7 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आता है। अब हमें चाहिए -5 सो हम बड़ी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे और छोटी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। इसमें से फर्स्ट टर्म हम एज इट इज राइट करेंगे और बीच वाले टर्म के प्लेस पे हम ये दो वैल्यूज राइट कर देंगे -7n और +2n और लास्ट वाली वैल्यू भी हम एज इट इज राइट कर लेंगे और इक्वल में हमारे पास है 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे, इनमें से कॉमन आया है n तो ब्रैकेट के अंदर अब आ जाएगा n -7। अब लास्ट की दो टर्म में से भी हम कॉमन ले लेंगे और इनमें से हम कॉमन लेंगे +2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा n -7 और इक्वल में हमारे पास है 0। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं n -7 और दूसरा फैक्टर बनेगा हमारा n +2।
इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल राइट करके n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इन दोनों से हम n की वैल्यू निकालते हैं। अब इस 7 को अगर हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा, और n इक्वल टू इस 2 को अगर हम इस राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस 2 आ जाएगा। अब n की हमारे पास दो वैल्यूज आई है, एक आई है पॉजिटिव और एक आई है नेगेटिव। अब देखो जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, सो n की वैल्यू हम 7 लेंगे, माइनस 2 नहीं लेंगे, तो n इज इक्वल टू 7 आया हमारा। अब हमें फाइंड करनी है a की वैल्यू, और a की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 6 माइनस 2n, तो हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं 6 माइनस 2n। अब इसमें हमें पुट करनी है n की वैल्यू, और n की वैल्यू हमारे पास आई है 7, तो इसलिए ये n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे n के प्लेस पे। a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, a इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस 8 आई है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी n की वैल्यू और a की वैल्यू, तो इसमें हमारे n की वैल्यू आई है 7 और a की वैल्यू आई है माइनस 8।